तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने प्याज है, लहसुन और ये जो करेला है, टमाटर और ये हरी मिर्च है, मैंने कमेंट में आया कि वॉल्यूम डाली, तो इस बार मैं क्या है कि वॉल्यूम भी डालूंगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें मैंने तेल गरम कर लिया है और इसमें हम क्या है कि अब ये जीरा ऐड करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने जीरा ऐड कर लिया है और इसको हम थोड़ा सा जो क्या है कि पकने देंगे इस जीरे को। तो ये देखिए दोस्तों, हल्का हल्का जो भूरा भूरे कलर का है वो, ये देखिए दोस्तों, ये पक गया है हमारा जीरा। तो इसमें हम अब ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्च। सबसे पहले हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें हम ये हरी मिर्च ऐड कर दिए हैं। तो ये देखिए हरी मिर्च पकने लगी है। तो ये देखिए दोस्तों, अब इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें हम लहसुन ऐड कर दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे प्याज डालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें हम अब प्याज ऐड कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हम प्याज ऐड कर दिए हैं। अब प्याज को थोड़ी देर के लिए हम ढक कर के रख देते हैं ताकि थोड़ा सा हल्का सा पकने लगे। देखिए दोस्तों, अब इसको हम पक चुके हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे ये जो मैं करेले काटी थी। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें मैं करेले डाल रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने करेले भी ऐड कर दिए हैं। टमाटर है वो हम थोड़ी देर बाद में डालेंगे इसमें। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैंने क्या है कि करेले भी ऐड कर दिए हैं। गैस को थोड़ा हम तो गैस को जो है हम थोड़ा कम कर देंगे, तब तक हम अपनी कम हीट पर पकने देंगे हम करेले को। और जो टमाटर है ये मैं बाद में ऐड करूँगी इसमें। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें प्याज है, करेले मैंने अभी मतलब कि इसमें पक चुके हैं। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे ये टमाटर ऐड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। ये देखिए मैंने टमाटर ऐड कर दिए ना, अभी इसको भी हम पकने देंगे। अभी इसको हम वापस थोड़ी देर के लिए इसको हम वापस रख देते हैं ताकि ये थोड़ी मतलब कि पक जाए सब्जी। अभी इसके बाद में पकने के बाद में हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने सब्जी को देखती भी रहूँगी कि बीच बीच में कहीं ऐसे मतलब लग तो नहीं रही है सब्जी, कहीं लगने से ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, लगी नहीं है तो हम इसको वापस रख देते हैं। सब्जी देखी भी तो लगी नहीं थी सब्जी। तो ये देखिए दोस्तों, अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। तो इसमें हम अब मसाला ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें हम अब ऐड करेंगे ये मैंने इसमें ऐड कर दिया, हल्दी ऐड कर दी है, ये मिर्च है और नमक पहले मैंने इसमें डाल दिया था। तो ये देखिए दोस्तों, अगर आप चाहो तो इसमें मतलब कि पानी भी ऐड कर सकते हो, और अगर ना चाहो तो आप इसको मतलब ऐसे इस सूखी सब्जी के तरह भी मतलब भी खा सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसमें जो दही आता है तो दही भी मतलब कि ऐड कर सकते हो। तो इसमें मेरे पास दही था तो मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें दही ऐड कर दिया अच्छी तरह से। अब इसको मैं अच्छी तरह से पकेगा तब तक मैं इसे 2 से 3 मिनट इसको मैं इसे हिलाती रहूँगी ताकि अंदर कहीं कुछ करके ख़राब ना हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा कसा जो गैस की गैस है वो थोड़ा सा कसा मैं थोड़ा ज़्यादा खुलवा क्योंकि कर रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इसको हिलाती रहूँगी ताकि कहीं कुछ करके ख़राब ना हो जाए। ये देखिए दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरी सब्जी है। तो ये बन के देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी टेस्टी सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। कमेंट में बताना कि मैंने कैसी क्या सब्जी बनाई है, अच्छी है या नहीं है, प्लीज़ सपोर्ट मी। हेलो दोस्तों, तो मैंने अभी जो मेरी सब्जी है तो मैं आपको बताई थी कि मेरी सब्ज़ी कैसे क्या बनी है। तो प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट करके कि मेरी सब्ज़ी अच्छी बनाई है या नहीं, और जो मेरा बनाने का जो तरीका है वो अच्छा था या नहीं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।